हम बना रहे हैं इस प्रकार की विंडमिल। यहाँ पे मैंने एक फोर कलर की भी विंडमिल बनाई है। बनाने के लिए मैंने 6 बाय 6 सेंटीमीटर के 4 स्क्वायर्स काट कर रखे थे, दो ब्लू और दो ऑरेंज। उनको मैंने डायगोनली काट दिया, देखिए ऐसे। फिर उसके लिए हमें चाहिए ब्लैक कलर का एक बड़ा सर्कल और ब्लैक कलर का एक छोटा सर्कल। तो हमने जो स्क्वायर काटे वो ये रहे। अब हमें इसको यहाँ पर रखकर, मैं यहाँ पे ब्लू से शुरुआत करती हूँ, तो मैं सिर्फ ये वाले ब्लू को यहाँ से फोल्ड कर दूंगी, देखिए। और फिर उसकी सिर्फ एक साइड को ग्लू लगा दूंगी। देखिए ऐसे। फिर मैं इसको यहाँ पे चिपका दूंगी ऐसे। देखिए फिर ऑरेंज, फिर यहाँ पे हमें फोल्ड नहीं करना है, यहाँ पे हमें सिर्फ ये कॉर्नर पर ही ग्लू लगाना है और उसको ऐसे। यहाँ पे ये जो क्रीज हमारी हो गई है तो वहां से हमें इसको मिलाकर चिपका देना है ऐसे। ये वाला जो ब्लू है उसके कॉर्नर पर ग्लू लगा के उसको ये वाला ऑरेंज वाले का सेंटर है तो मैं इसको यहाँ पे लगा दूंगी। फिर मैं ऑरेंज लूंगी, फिर इसको ब्लू के सेंटर पे चिपका दूंगी ऐसे। फिर ये वाला ब्लू है उसका यहाँ पे ग्लू लगाकर यहाँ का जो कॉर्नर है वहां पे चिपका दूंगी ऐसे। फिर एक ऑरेंज, फिर उसको ग्लू लगाकर यहां पर ये जो सेंटर है इसका ये वाला यहां पर। फिर ये ब्लू, फिर उसको यहाँ के सेंटर से ऑरेंज है उसको हम ऐसे नहीं चिपकाएंगे, उसको हम ये वाले को ऊपर करके यहां पे चिपका देंगे तो कुछ ऐसे बन जाएगी। देखिए
थोड़ा सा सूख जाने के बाद हमें ये जो कॉर्नर दिख रहे हैं, मतलब ये जो पूरे ट्रायंगल दिख रहे हैं उसके जो कॉर्नर्स है वहां पे ग्लू लगा देना है ऐसे। फिर ये वाला, ये और ये वाला। अब हमें इसको स्प्रेड करना है और फिर इसको ऐसे चिपकाना है ऐसे। फिर ये वाले को स्प्रेड कर ऐसे। फिर ये वाले को ऐसे ऐसे। फिर ये वाले को ऐसे। फिर ये वाले को ऐसे। ऐसे। फिर ये वाला जो है उसको यहाँ पर फिर इसको यहाँ पर फिर इसको यहाँ पर ऐसे। सेंटर है वहां पर इस छोटे वाले जो सर्कल है उसको चिपका देना है यहां पर। थोड़ा सा सूख जाने के बाद हमें इसके सेंटर में एक छेद कर देना है। देखिए फिर इसमें तार और मोती, इसमें हमें ये मोती डालना है और फिर ये तार को इसके सेंटर में लाकर इसके पीछे एक मोती डाल देना है। अब मैं आपको बताती हूँ ये कैसे घूमती है।